नर्मदापुरम जिले की ककून मंडी आज देश भर में ककून व्यापारियों की पहली पसंद बनी हुई है। इसका एक कारण प्रदेश भर के करीब 500 पंजीकृत किसानों का ककून प्रदेश सहित कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के करीब 12 पंजीकृत व्यापारियों को एक जगह उपलब्ध हो जाता है, जिससे व्यापारियों को ककून की खरीदी और उसे ले जाने में आसानी होती है। जानकारी के अनुसार बताया गया कि यहां से पिछले 10 महीने में 510 क्विंटल ककून इस मंडी से बेचा गया है, जिससे ककून उत्पादक 500 किसानों को करीबन 2.15 करोड़ की आमदनी हुई है। ज्ञात हो कि जिले में मालाखेड़ी में 6 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश की पहली ककून मंडी का शुभारंभ हुआ था। यह प्रदेश के एकमात्र मंडी है जहां पर ककून का बाजार लगता है। इस ककून मंडी में प्रदेश के साथ ही कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के व्यापारियों का यहाँ का मकवरी चमकदार ककून खूब पसंद आ रहा है। इसके साथ ही प्रदेश सहित जिले में ककून का उत्पादन यह किया जा रहा है। मालदा से आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से। इधर का जो ककून है ना, हमारा उधर से और इधर का ककून में क्वालिटी का थोड़ा अंतर है। हमारे उधर जो पालता है वो मल्टी वोल्टाइन वाला, इधर है बाई होल्टेन वाला। तो इसमें जो है ना, हमारे उधर का पीला वाला बनता है, इसका जो है व्हाइट बनता है। इसमें काफी खास अंतर है कि हमारे उधर जो आपका पीला वाला बनता है उसमें क्या होता है, थोड़ा रेट कम ज्यादा वैसी होता है। ये 550-600 तक जाता है, हमारे उधर का 450 की तरफ, 300 से लेकर 450-500 भी तक जाता है कभी कभी, मार्केट के हिसाब से रेट रहता है। अभी मार्केट फिलहाल अच्छी है, रेट अच्छी जाना चाहिए। कितने साल से आप यहाँ से ककून खरीद रहे हैं? हम तो एमपीसी फेडरेशन से जुड़ा है कम से कम 5-6 साल से। जी मेरा नाम गिरिराज खेवट है, बुरा जिले से आया हूँ, ग्राम खटकिया रेशम केंद्र से हूँ। कितना ककून लेके आए हैं और यहाँ पे क्या कीमत मिलती है आपको? लगभग मैं अभी 80-90 किलो ककून लेकर आया हूँ। और देखो, उम्मीद तो हम अधिकतर करते हैं भाव की, फिर भी लगभग लगता है मतलब 400 तक तो हमारा विचार है, 400 तक तो हमारा ककून जाएगा। हाँ, मतलब उम्मीद कर रहे हैं, बाकी हमारा 550 तक गया है। यहाँ पे हम खेती लगभग 8 साल हो गए करते हैं। कितने एकड़ में लगाइएगा? अभी 1.5 एकड़ में है सर। खेती किस प्रकार से करते हैं आप, कैसे बीज लेके आते हैं? ये बीज सर क्या है कि सरकारी आता है, ये बीज अधिकारी लोग हमको आकर के देते हैं, उससे चौकी बनती है तो अंडे में से बच्चे निकालते हैं, बच्चे फिर पालते हैं, उसमें 1 महीने का पूरा चक्र होता है। इसमें एक फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है? एक माह में पूरी तैयार हो जाती है, ए टू जेड। अभी तक मतलब यहाँ तक लाने में, मार्केट में लाने में लगभग साल में 2 से 2.5 लाख खर्चा निकालते हैं। हाँ, मैं सर आरएस पचवारिया नाम है मेरा, फील्ड ऑफिसर हूँ पद में, और मैं यहाँ का ककून मंडी जो है अपनी, इसका प्रभारी हूँ। कहाँ कहाँ से व्यापारी आते हैं यहाँ पर और क्या खासियत है अपने यहाँ के? व्यापारी अपने यहाँ पश्चिम बंगाल से, कर्नाटक से, और कुछ अपने लोकल व्यापारी हैं वो आते हैं। और ककून अपने MP के लगभग सभी जिलों से ककून आता है। क्या खासियत है अपने यहाँ? अपने बाई वोल्टाइन ककून है, ककून की क्वालिटी अच्छी रहती है, चमक रहती है धागे में। हाँ, इतना है कि सीजन ले ली, जैसे अभी बारिश का सीजन चल रहा है, तो बारिश के सीजन में जब कंटिन्यू रेन होती है तो उस टाइम थोड़ा ककून उत्पादन प्रभावित होता है और क्वालिटी प्रभावित होती है। किसान और कितने व्यापारी यहाँ पर आते? यहाँ पे करीब 12-13 व्यापारी आते हैं, अभी वर्तमान में 5 व्यापारी हैं, और आज करीब करीब 37 लाट है हमारे पास, 40-37 किसानों का है, जिसमें अपने होशंगाबाद जिले से बनखड़ी से किसान आए हैं और गुना जिले से भी अपने पास ककून आया है। हर मंथ कितना क्विंटल ककून यहाँ से बाहर सप्लाई होता है? ये सर सीजनली रहता है, वैसे अभी अपना यहाँ पे करीब करीब ये मान के चले कि 3-4 टन ककून पर मंथ यहाँ से जाता है।